You're a superhero. So hey guys, this time Train's back here with another video. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के न्यू अपडेट के बारे में. So guys, वीडियो को पूरा देखना, जैसे कि आपके जितने भी डाउट्स है वो सब मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में. तो वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना. So guys, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो आपको बता दूं guys कि हाल ही में है अभी जो अल्फा टेस्टर के लिए है जो अपडेट आ चुका है, और बीटा के लिए भी जल्दी आएगा. और जैसे ही अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल पे न्यूज़ मिल जाएगी बहुत ही जल्द. जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही हम कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे और साथ में वीडियो भी डाल देंगे. सो गाइस, उसके लिए आपको हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस. वो जो नीचे लाल वाला बटन ना, उसे गाइस दबा लेना, बस वो दब जाना चाहिए. आप अपने हाथ से दबाओ या पैर से दबाओ गाइस. ओके, सो गाइस चलिए अब मेन बात पे आते हैं. बहुत सारी फालतू की बातें हो गई, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि जो अभी अल्फा के लिए अपडेट आया है, जैसे ही अब अल्फा आता है उसके बाद बेटा के लिए भी अपडेट आता है. तो गाइस इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बीटा के लिए अपडेट नहीं आएगा, इस बार अल्फा के लिए ही 2.0 आएगा, यानी कि उसका सेकंड वर्जन, उसके बाद बीटा टेस्टर आएगा. क्योंकि गाइस अभी जो अपडेट आया है वो केवल डेवलपमेंट पर्पस के लिए आया है, मतलब कि उसमें केवल बताया हुआ है कि डेवलपमेंट गेम का हो रहा है इसके खाते. उसमें लिखा हुआ था प्रीमिलरली, उसका मतलब होता है प्रारंभिक, मतलब अभी ये फर्स्ट वर्जन है अल्फा के लिए. इसके बाद जो है सेकंड वर्जन भी आने वाला है अल्फा के लिए विद इन अ वीक, मतलब दिस वीक में आ सकता है. वो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है ऐसे तो कि इस वीक में आ जाएगा. सो गाइस चलिए, अब इतनी बात हो ही चुकी है तो हम बेटा के वर्जन पे भी बात करते हैं. तो कैसे कि बेटा का जो वर्जन है वो अल्फा 2.0 के बाद आएगा, मतलब अभी आपको 1 वीक वेट करना पड़ेगा. सो गाइस, वैसे न्यूज़ तो आ रही है कि 15 जनवरी तक जो है कि, या मिड जनवरी तक बीटा के लिए भी अपडेट आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और डेवलपर से भी हमें ऐसा ही सुनने में मिला है कि 15 तक जो है अपडेट बीटा के लिए भी आ सकता है. पर गाइज ये भी एक्सपेक्टेड है, ये श्योरली मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल इशू आता है या फिर बग से रिलेटेड तो गाइज ये अपडेट और लेट हो सकता है. कुछ कह नहीं सकते गाइज अभी, पर अपडेट जैसे ही आएगा वैसे ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, वैसे ही हम आपको बता देंगे गाइज. हमारे चैनल पे वीडियो आ जाएगी. तो चलिए अब हम थोड़ा पब्लिक के ऊपर भी बात करते हैं. तो गाइज पब्लिक अपडेट के बारे में आपको मालूम ही होगा कि 3-4 डेज में रिलीज़ हो जाता है बीटा के बाद. सो गाइज अभी तो हम भी उसे भी एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि वो भी 3-4 डेज, तो मतलब 15 जनवरी यानी 20 जनवरी तक हम देख के चलते हैं कि वो भी रिलीज हो सकता है अगर टेक्निकल इशू नहीं आता है. तो गाइज अभी कुछ भी पक्का या फाइनल नहीं है, क्योंकि अभी तो अल्फा 2.0 होगा जो कि सेकंड वर्जन अल्फा के लिए आएगा और वो फुल होगा. जैसे कि गाइज चलिए अब इतनी बातें हो ही गई है तो साथ में हम लोग थोड़ी सी क्लिप्स भी देख लेते हैं न्यू अपडेट की. सो गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है उसके लिए सॉरी. तो थोड़ी सी क्लिप्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू वर्जन की. देखिए गाइस, तो इसमें मतलब जो न्यू वर्जन आया उसमें अभी मतलब बहुत सारे जो पास है, सीजन मोड आ चुका है अभी उसमें, लेकिन जितने भी जैसे डीजल एक्शन हो गया, रेसिंग मोड हो गया, ये सब अभी ओपन नहीं हो रहा है 13 कोचेस. ये मतलब अभी डेवलपमेंट में है, मतलब अभी पता है कि गेम पे काम चल रहा है, वो अल्फा के लिए आया है.